खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां एक 16 वर्षीय युवक ने अपने भाई को मोबाइल नहीं दिलाने पर फावड़े से हत्या कर शव को घर के आंगन में दफना दिया। गंगो क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर डोला में 16 वर्षीय युवक ने अपने भाई को मोबाइल ना दिलाने पर फावड़े से हत्या कर शव को घर के आंगन में दफना दिया। शव के सड़ने के बाद वहां से उठी दुर्गंध से मामले का पर्दाफाश हुआ। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। घटनाक्रम के मुताबिक गंगो थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर टोला निवासी 30 वर्षीय फरमान पुत्र आलम ने एक मोबाइल खरीदा था। फरमान से उसका छोटा भाई रहमान मोबाइल दिलाने की जिद करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। रहमान ने गुस्से में फरमान के सिर पर फावड़े से कई वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित ने दरिंदगी की हदों को पार कर भाई की हत्या कर शव के छोटे छोटे टुकड़े करके घर के आंगन में ही दफना दिया। जब ग्रामीणों ने फरमान के संबंध में जानकारी की तो उसने बताया कि भाई मजदूरी के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। सोमवार की देर रात्रि जब आसपास तेज दुर्गंध उठने लगी तो ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने आरोपित के घर का दरवाजा खुलवाया तो तेज दुर्गंध से ठहरना मुश्किल हो गया। पुलिस ने आरोपित से पूछताछ की तो उसने अपने भाई की हत्या किया जाना कबूल कर लिया। बाद में आरोपित की निशानदेही पर पुलिस ने शत विक्षत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपित के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। परिवार में 3 बहनें भी थी, उनकी भी शादी हो चुकी है। मृतक फरमान व रहमान ही घर में रहते थे। फरमान ही छोटे भाई का भरण पोषण करता था। कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सोलंकी ने बताया कि दोनों भाइयों में 18 जुलाई ईद के आसपास मोबाइल को लेकर विवाद हुआ था, जिसके दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर में फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को घर में ही दफना दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता AK धीमान की रिपोर्ट। सर, गंगो क्षेत्र में एक हत्या का मामला सामने आया और उसके भाई पर ही है, क्या कुछ प्रूफ का प्रकरण रहा है? ये गंगो थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है फतेहपुर डोला, वहां पर हम लोगों को सूचना मिली कल कि एक परिवार में एक भाई ने अपने दूसरे भाई को जो है मार दिया है। और उस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और उस जो लड़का था उस लड़के को पकड़ कर पूछताछ की तो उसने ये बताया कि पिछले महीने की करीब 14 तारीख को ये इसका अपने भाई से विवाद हुआ था, इसका ही अपना सगा भाई, और उस विवाद में इसने उस पर फावड़े से वार किया और फावड़े से वार करने पर उसकी मृत्यु हो गई, जिसको कि इसने अपने घर में ही ये मिट्टी खोद कर गाड़ दिया था। इसकी निशानदेही पर हम लोगों ने वो बॉडी जो है वो खोद कर निकलवाई है, रिकवर करी है, और अब इसमें ये जो अभियुक्त है इसको हम गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। विवाद सर क्या बताया जा रहा है, किस विवाद को लेकर उसने घटना को अंजाम दिया, कुछ जानकारी की जांच किया? देखिए, जो इससे पूछताछ में अभी तक निकल के आया वो ये निकल के आया कि इसके जो भाई ने एक नया मोबाइल लिया था और उसी मोबाइल में इसने शायद छोटी सी बात थी कि वो पिन जो है इसने गलत डाल दिया था, जिससे कि वो लॉक हो गया था, और उसी को लेकर इनमें लड़ाई हुई। पहले बड़े भाई ने छोटे भाई को पीटा और फिर उसी गुस्से में इसमें आवेश में आकर उसके ऊपर फावड़े से वार कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर फावड़े से वार कर दिया। उम्र क्या है सर? देखिए, ये जो मृतक है उसकी उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है और ये जो छोटा भाई है जिसने इसके ऊपर वार किया वो नाबालिग है, 15-16 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। नमस्कार, मैं RK जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।